रेलवे ट्रैक 81 सुभाष नगर रेलवे ट्रैक पर ओवर ब्रिज निर्माण शुरू हो गया है। ब्रिज निर्माण शुरू होने से निर्माण एजेंसी ने रास्ता बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने से समीप गली में रहने वाले परिवार परेशान हैं। इन परिवारों को ना तो आने जाने का रास्ता मिला है और ना ही पानी मिल रहा है। मुआवजा राशि नहीं मिलने से यहाँ के रहवासी दूसरी जगह भी नहीं जा पा रहे हैं। परेशान हो रहे क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या एन टाइम्स को बताते हुए कहा, इस क्षेत्र में सुभाष नगर जो वार्ड नंबर 15 है, इस क्षेत्र के अंदर रेलवे ने अपना ब्रिज का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी समस्या आ रही है। एक साल से हम कंटिन्यू लगातार कलेक्टर मैडम से चर्चा कर रहे हैं इस चीज पे। सारा कुछ तैयार होने के बावजूद क्षेत्र के लोगों को मुआवजा नहीं बांटा गया। अगर मुआवजा बांटा गया होता तो ये 20 फीट का रोड अलग से बन जाता और क्षेत्रवासियों को समस्या पैदा नहीं होती। आज क्षेत्रवासी पूरे अपने घरों के अंदर कैद हैं, न राशन लेके आ पा रहे हैं, न काम पे जा पा रहे हैं। रास्ते के लिए रास्ते का प्रॉब्लम है, यहाँ जाने आने के लिए रास्ता ही नहीं बिल्कुल। यहाँ गड्ढे में रात को भी एक आदमी गिर गया था, अभी भी बाइक गिर गई सुबह, तो इसलिए हमको रास्ता चाहिए बस। आपने मैडम वगैरह किसी को अवगत कराया? अभी नहीं किया सर, अभी पहली बार आप आए हैं तो आपको बता रहे हैं हम। हमको रास्ते की बहुत दिक्कत पड़ रही है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। ठेकेदार को बोला थोड़ा सा रख दे रास्ता, तो उन्होंने नहीं रखा रास्ता, आगे भी गली पेक है, रास्ता ही नहीं। रास्ते के लिए खड़े हुए सब जने, रेलवे का काम चल रहा है, हम किधर से निकल के जाए? हमारे बच्चे घर में बैठे हुए, गैरेज पे कैसे जाए, दूध वाले कैसे आवे, सब्जी वाले कैसे आवे, बिल्कुल पैक हो गए हम तो। यहाँ कैसे निकल के जाए हम? कोरोना जैसा हो गया, जैसे बिल्कुल अंदर ही पैक हो गए हम तो। यहाँ काम धंधे पे कैसे जाए? बच्चे सब गाड़ी घोड़े निकालने की जगह नहीं है। गाड़ी घोड़ा विजय कुमार उपाध्याय। रेलवे ने ब्रिज का काम चालू किया, रहवासियों को बताया भी नहीं, रास्ता बंद कर दिया। उसके बाद जो है पोखरण तो खुदाई की, तो जहाँ पाइप लाइन है उस क्षेत्र को खोदने के लिए मना किया था मैंने और भाई मसीउद्दीन ने, लेकिन ये इस बात को न मानते हुए उनने पोखरण से उस एरिया को भी खोद दिया जहाँ पाइप लाइन भी डैमेज हुई है। आने जाने का सिंगल पैदल जाने का रास्ता भी बंद हो गया है और आम जनता क्षेत्र की जो रहवासी इस क्षेत्र में यहाँ रहते हैं, जिनको सेतु निगम मुआवजा देगा तभी इन लोगों के तोड़े जाएंगे। और बारिश का समय सिर पे आ गया है और खाने पीने की भी दिक्कत, सामग्री लाने की भी लोगों को दिक्कत आ रही है। वायरल हुए वीडियो के आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बनाए गए प्रकरण के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर गई है। मंगलवार को शहर एवं जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता दोपहिया वाहनों से रैली के रूप में स्टेशन रोड थाने पहुंचे। कांग्रेस ने यहां थाना प्रभारी किशोर पाटनवाल को पुलिस महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपकर पूर्व मुख्यमंत्री पर बनाए गए प्रकरण को वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ डर्टी पॉलिटिक्स कर छवि बिगाड़ रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महंत कटारिया ने मीडिया को बताया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पर पिछले दिनों प्रकरण दर्ज किया गया है। एक एडिटेड वीडियो जिसमें शिवराज सिंह कहते हुए आ रहे हैं कि सभी तरफ शराब बहा दी जाए, उस वीडियो को उनकी तरफ से सिर्फ आगे भेजा गया उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर। हमारी ये मांग थी कि जिसने वीडियो बनाया, जहाँ से वीडियो रिलीज़ हुआ, इसमें कुछ नाम जबलपुर के पूर्व आईजी का भी आ रहा है जिन्होंने इस वीडियो को आगे भेजा, तो उन समस्त लोग और इसकी पूरी प्रकरण की जांच महानिदेशक जी को हमने ज्ञापन दिया है। पुलिस महानिदेशक जी को हमने पुलिस रतलाम एसपी के माध्यम से कि इस पूरे प्रकरण की जाँच की जाए और इसमें दूध का दूध पानी का पानी किया जाए कि जो वीडियो जहाँ बना है एडिटेड है या ओरिजिनल है इसकी पूरी जाँच की जाए और जो हमारे नेताओं पर और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, उस प्रकरण को वापस लिया जाए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश भरावा ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा, चौहान ने उनका जो वीडियो था उसमें कोई काट छाट नहीं की गई, उसके बाद भी उन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन उसी आधार पर हमने राहुल गांधी जी पर जो उन्होंने आलू के बारे में जो बताया था उसको काट छाट कर उस पर उन्होंने एडिट कर उसको वीडियो वायरल करवाया था, जिसमें शिवराज सिंह जी चौहान और वीडी शर्मा थे और भाजपा के जो अध्यक्ष थे उस टाइम वर्तमान समय में वो नंद कुमार जी चौहान, उन्होंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल करो और कांग्रेस की छवि खराब करो ताकि अपने राजनीतिक लाभ मिल जाए। तो आज हमने मांग करी ज्ञापन के माध्यम से कि शिवराज सिंह जी चौहान और वीडी शर्मा पर मुकदमा दर्ज किया जाए, नंद कुमार जी चौहान को गवाह बनाया जाए और जो दिग्विजय सिंह जी पर मुकदमा बनाया गया झूठा उसको वापस लिया जाए।
कोरोना संक्रमण से पांचवी मौत सोमवार को हो गई। शाम को कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। देर रात फिर चार पॉजिटिव मरीज उस समय सामने आए जब 138 मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट दी गई। चार मरीजों में से दो जावरा तथा दो रतलाम शहर के हैं। जावरा के मरीजों में एक ताल का पहला मरीज है। इन मरीजों की हिस्ट्री भी बाबा से संबंधित बताई गई है। रतलाम के नए मरीज कुरेशी मंडी तथा बिरियाखेड़ी क्षेत्र से हैं। इन स्थानों पर नए कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। अभी मेडिकल कॉलेज से 200 मरीजों की रिपोर्ट आनी शेष है। अपने नन्हे नन्हे जिगर के टुकड़ों को गोद में लेकर मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलती इन महिलाओं की आंखों में एक अलग तरह की चमक है। ये कभी खुद का शुक्रिया अदा करती तो कभी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ का। ये वो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों सहित कोरोना संक्रमण की चपेट में आई थी और आज कोरोना की जंग बच्चों सहित जीतकर मेडिकल कॉलेज से घर जा रही है। इन महिलाओं सहित कुल 22 कोरोना संक्रमण से जंग जीतने वाले कोरोना योद्धाओं को आज मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज किया गया। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना से लड़ाई जीतने वालों को डिस्चार्ज किए जाने के इस मौके पर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, SP गौरव तिवारी, मेडिकल कॉलेज डीन संजय दीक्षित विशेष रूप से मौजूद थे। डिस्चार्ज हुए सभी मरीजों का स्वागत तालियां बजाकर किया गया। प्रशासन की ओर से सभी को एक किट भी प्रदान की गई। इन सभी को कोरोना से बचाव की समझाइश भी दी गई। मतलब सर अनुभव तो बहुत अच्छा था, पर जैसे मुश्किलें भी आई हैं, पर सब कुछ अच्छा था। जैसे जो डॉक्टरों का सपोर्ट हमको मिला ना, बहुत मतलब हम कह नहीं सकते कि जिस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया और जिस तरीके से मतलब बच्चों को और जितने पॉजिटिव लोगों को उन्होंने संभाला ना, हम बयान नहीं कर सकते। मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारा सब मतलब ख्याल रखा है, तो आज हम यहाँ पे हैं। मतलब हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हम हॉस्पिटल में, हमें ऐसा रखा उन्होंने जैसे हम घर पे हैं। हर एक चीज़ का ख्याल रखना, और मतलब सर आपको बता नहीं सकती मैं, उन लोगों ने मुझे ये तक उन्होंने जैसे डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है कि जैसे है ना मतलब इलाज करना पेशेंट का, पर उन लोगों ने मतलब है ना मेरे दोनों बच्चे पॉजिटिव थे, पर उन्होंने मुझे महसूस नहीं बताया ही नहीं कि बच्चे पॉजिटिव है, कि कहीं ऐसा नहीं कि मदर को टेंशन हो और ये बच्चों की केयर नहीं कर पाए टेंशन के वजह से। अच्छा, जी मतलब उम्र क्या है आपके? मेरा एक बच्चा 1.5 साल का और एक बच्चा 5 साल का है सर। कैसे संक्रमित हो गए बच्चे? जी सर वो क्या हुआ कि जैसे मेरी जो खाला का लड़का था तो वो मंदसौर में रहते, तो थोड़ा वो इफेक्टेड हो गया था, तो घर पर आया जैसे, तो वो मेरी बहन मेरी अम्मी ने जैसे सब हम एक दूसरे से मिले जुले तो थोड़ा इफेक्ट आ गया। बताया 5 तारीख को हम लोग क्वारंटाइन हुए थे, उसके बाद 9 को हमारी रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हम 10 तारीख को यहाँ पे आए और यहाँ पे मुझे यहाँ पे सबका बहुत सपोर्ट रहा और पूरा मतलब अच्छे से हो गया है अब। अच्छा, कोरोना आपको हुआ था या बच्चे को? दोनों को हुआ था हमें, हम दोनों ही पॉजिटिव थे। ये 3 साल की है। बच्चे को आफत तो खूब होती थी क्योंकि यहाँ कुछ अलाव नहीं था, मोबाइल वगैरह, तो उसे बैठाने में दिक्कत तो होती थी, बट उसके साथ करना पड़ता था कॉम्प्रोमाइज़, खेलना पड़ता था रूम में ही। जी आज हमारे यहाँ से रतलाम से 22 पॉजिटिव पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ से डिस्चार्ज होकर के जा रहे हैं, और इसी प्रकार से हमारे जो एक्टिव हैं केसेस वो अब 29 शेष रहते हैं। जो हम लोगों ने इनसे चर्चा करी तो आप लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, इसमें से अधिकतम लोगों को सिम्टम्स बहुत कम थे, यानी कि ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि हम इनको काफ़ी जल्दी चिन्हित कर पाए और इस बीमारी से बचाव का, यानी कि जिसमें कि लाइफ की क्षति ना हो, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है कि आइडेंटिफिकेशन अर्ली हो सके। तो मैं यही अपील आप सभी के माध्यम से करना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति को अगर ज़रा से भी हल्के सिम्टम्स भी महसूस होते हैं सर्दी खांसी बुखार के, ऐसा जो कि आपको पहले नहीं था और आपको अब सडनली आ रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप अपने पास के फ़ीवर क्लिनिक में, रतलाम मेडिकल कॉलेज में भी फ़ीवर क्लिनिक स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली आ सकते हैं। यहाँ डॉक्टर आपको देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि ये बुखार आपको किस प्रकार का है, और कहीं अगर ज़रा भी उसमें संदिग्ध लगा तो सैम्पलिंग करने से उनका स्टेटस जल्दी पता चल जाएगा, जिससे कि उनको इसका जो इलाज है बेसिकली एक तरीके से आइसोलेशन है, यानी हमको अगर ऐसा पॉजिटिव हम आ जाते हैं तो दूसरों व्यक्तियों से थोड़ा दूरी पर रहना और बाकी अपनी इम्यूनिटी पे काम करना, यानी समय समय से अच्छी डाइट लेना, अच्छे सप्लीमेंट्स लेना, तो ये केयर यहाँ पे अस्पताल में बहुत अच्छी हो जाती है। तो यदि आपको ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आकर के अपनी जाँच करवाएँ और आवश्यक होने पर सैम्पलिंग भी की जाएगी, और इसका सिर्फ यही एक बचाव है कि जो सावधानियाँ पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखना है, अपने फेस को कपड़े या मास्क से कवर करना है जब भी हम कहीं पब्लिक प्लेस में जाएं, और घर पर भी
अपने आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी रखें और साबुन से बार बार हाथ को अच्छी तरीके से धोएं। हाथों से अपने नाक, मुंह और आंखों को टच करने से बिल्कुल अवॉइड करें। कोरोना महामारी से जारी जंग में योद्धाओं के रूप में सक्रिय रूप से कार्य करने वाले सफाई कर्मियों का मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत द्वारा सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेरा, समाज सेवी प्रकाश सावरिया, महावाल्मीकि पंचायत प्रदेश अध्यक्ष राहुल निंदाने विशेष रूप से मौजूद थे। सभी ने शहर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी जंग में सफाई कर्मचारियों द्वारा निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। अतिथियों ने सफाई कर्मचारियों को मास्क एवं सैनिटाइजर प्रदान कर सम्मान किया। आज का आयोजन मध्य प्रदेश वाल्मीकि समाज द्वारा किया गया और आज सब में जागरूकता आ गई है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान को जनता अच्छी तरह समझने लग गई। हम सब को मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग करो, जरूरी है डिस्टेंस बना के चलना है, क्योंकि महामारी अभी रुक नहीं रही। इसको रोकने के लिए दो तरीके ही ठीक है कि हम डिस्टेंस में रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और दूरी बनाकर रखें, ज़्यादातर अपने घर में रहें। वाल्मीकि समाज ने जो इस आयोजन किया उसमें मुझे बुलाया मुख्य अतिथि रूप में, मैं इसको मध्यप्रदेश वाल्मीकि समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महिलाएं खुद शराब पीती हैं तो उन्हें शराब परोसने में क्या हर्ज है? इस तरह का बयान रीवा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद द्वारा दिए जाने से महिलाओं में आक्रोश है। महिलाओं की अस्मिता को लेकर भाजपा सांसद द्वारा दिए गए इस बयान के खिलाफ महिला कांग्रेस ने कड़ी निंदा करते हुए भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन सेरानी, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अदिति दवेसर, शहर महिला सेवा दल अध्यक्ष संगीता काकरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्ट्रेट भवन पहुंची, जहां राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर शिराली जैन को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि भाजपा सांसद का बयान महिलाओं का अपमान है, महिलाओं के अपमान करने वाले की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई।